हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट माई अदिति एंड आई एम यू यू जी सी नेट होम साइंस फैकल्टी सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग सो जब भी एग uh, के बारे में डिस्कशन होता है तो यहाँ पर एग जो है इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एग का स्ट्रक्चर क्या होता है एग में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और कैसे जो है एग का uh, हम कौन कौन से इसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द एग तो ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउ यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एग तो एग का स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो फर्स्ट चीज है वो है शेल सेकेंड इज मेम्ब्रेन, थर्ड इज एल्ब्यूमिन एंड फोर्थ इज योग तो यहाँ पर क्या है जो शेल है जो आउटर कवरिंग है शेल क्या है इट इज दउटर कवरिंग अब जो ये आउटर कवरिंग है इसमें है 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 जो 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 वो 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 पे कुछ pores present रहते हैं और जो क्यूटिकल लेयर है जो ये क्यूटिकल लेयर है दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ये किसी भी बाहर के हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्शन uh, प्रोवाइड करती है तो दिस इज क्यूटिकल नेक्स्ट जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन अगर मैं मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में कौन कौन सी मेम्ब्रेन है एयर सेल है यहाँ पर ये जो थोड़ा सा आपको ये साइड में ऐसे दिख रहा है दिस इज एयर सेल यहाँ से क्या है एयर पास इन होती है ताकि जो आ, शेल आ, जो एग है उसका जो योग और वाइट वाले है इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहे सेकेंड यहाँ पर जो है मैमब्रेन है आउटर शेल है और इनर शेल मैमब्रेन है और आउटर शेल मैमब्रेन यहाँ पे है नेक्स्ट जो एल्ब्यूमिन है ये वाला पार्ट जो है दैट इज एलब्यूमिन चलाजा इस ये एल्ब्यूमिन के सारे कॉम्पोनेंट है ये जो एल्ब्यूमिन है इसमें फर्स्ट जो ये आपको ऐसे दिख रहा है नेटवर्क फॉर्म में दिस इज एल्ब्यूमिन सॉरी दिस इज चलाजा नेक्स्ट जो है चलाजी फेरस लेयर है यहाँ पर जो है ये दिस इज एग वाइट एंड यहाँ पर जो है वो थिन एग वाइट है तो ये जो है तो कॉम्पोनेंट है किसका एल्ब्यूमिन का नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट योक जो योक है यहाँ पे येल्लो पार्ट जो है येल्लो पार्ट को योक बोलते हैं यहाँ पे जर्मिनल डिस्क है दिस इज जर्मिनल डिस्क लेटिब्रा है यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है लाइट कलर्ड योक ये लाइट कलर्ड योक है दिस इज डार्क कलर्ड योक एंड दिस इज योक मैमब्रेन जो कि योक को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करके रखती है तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग नाउ यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एग में क्या है फर्स्ट इज शेल तो यहां पर जो अगर हम शेल के बारे में बात करें तो शेल क्या करता है इफ आई टॉक अबाउट शेल तो यहां पर शेल क्या करेगा दिस इज आप आउटर लेयर जो कि uh, एग को अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रोटेक्ट करके रखता है तो यहाँ पर शेल क्या करेगा जो शेल है इट इज द द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑफ इनर कंटेंट एग अलोंग विद टू मैम्रेन तो शेल जो है इसके पास में मैमब्रेन है ये क्या करेगा जो अंदर के कंटेंट है एग के उनको प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर शेल किससे बना हुआ होता है शेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पॉलीसेकेराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट अब यहाँ पे इनकी कितनी कॉम्पोजिशन होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस आ, कितने इसमें कॉम्पोजिशन होती है प्रोटीन की पॉलीसेकेराइड की कैल्शियम कार्बोनेट की अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कुछ एयर सेक है यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया था मेम्ब्रेन के पास एयर सेल है तो यहाँ पर क्या है जो एयर सेल है जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है वो क्या करता है गैसेस को पास इन और आउट करने में हेल्प करता है ताकि जो यहां पर एग है उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे नेक्स्ट जो है वो जो यहाँ पर स्मॉल होल्स हैं वो यहाँ पर जो छोटे छोटे होल्स है वो किससे कवर रहते हैं मटेरियल जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल या फिर ब्लूम तो यहाँ पर जो क्यूटिकल लेयर था बाहर वाला ये क्या करता है इस पूरे अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है ये सारे अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है कौन क्यूटिकल अब यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ एग नाउ यहाँ पे कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने देखा था कि जो शेल है वो किससे बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी अमाउंट होती है नाइनटी थ्री परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट फोस्फोरस पेंटा इज जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मैग्नीशियम इज वन पॉइंट थ्री नाइन ऑर्गेनिक मैटर इज फोर पॉइंट वन फाइव एंड एग वाइट में क्या होता है फैट नहीं होता कार्बोहाइड्रेट नहीं होता बट जो एग वाइट है वो कितना होता है एट टू ट्वेल्व परसेंट होता है प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो ओवर एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन है एक कोनाल कौन, एल्ब्यूमिन ओवर म्यूसिन ओवर म्यूकोइड एविडिन ये सारे प्रोटीन्स है जो कि एग में प्रेजेंट रहते हैं ओवर एल्ब्यूमिन है 55 होता है लाइजोजोम एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है लाइजोजोम जो कि क्या करता है अगर बैक्टीरियल अटैक होता है एग में तो उस बैक्टीरियल अटैक को प्रिवेंट करता है कौन लाइजोजो मतलब ये कर लेता है को. जो आपके सेल में जो सेल होता है बॉडी का उसमें भी क्या होता है लाइजोजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्योंकि वो क्या करता है जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट कर लेता है तो इसी प्रकार यहां पर जो एग में कॉम्पोनेंट है लाइजोजाइम वो लाइजोजाइम क्या करेगा बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेगा और वहां पर एग में कंटामिनेशन नहीं होने देगा तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइजोजाइम नेक्स्ट जो है ओवा ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन होती है जिसमें जो ओवा ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसकी वजह से एक्सीलेंट फॉर्मिंग एजेंट ये क्या है जब भी हम एग की व्हीपिंग करते हैं जब भी हम एग की व्हीपिंग करेंगे या फिर उसमें फॉर्म प्रोड्यूस होगा तो वो फॉर्मिंग एजेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है That is तो ये है यहाँ पे कुछ प्रोटीन नेक्स्ट जो है एग योग. एग एग में में क्या है यहाँ पे? एग योग में 25 -33 जो है पे? 25 जो वो फैट है 15 17% प्रोटीन है और बाकी का बचा हुआ क्या है वाटर है तो यहाँ पे दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एग योक एग योक में क्या क्या आता है सबसे पहले फैट है फिर प्रोटीन है और जो बचा हुआ है वो क्या है पानी है तो ये है एग योक का नेक्स्ट यहाँ पर जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितना होता है फिफ्टी परसेंट यहाँ पे होता है योक क्या है Dispersion है जिसमें आपके बहुत सारा प्रोटीन जो है वो होता है तो एग योक में हमारे पास प्रोटीन भी होता है फैट भी होता है तो इनके अमाउंट ज्यादा होती है लेकिन एग वाइट में फैट की अमाउंट नहीं होती या फिर बिल्कुल कम होता है इसलिए जो जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं अगर किसी को वेट uh, लूज करना है तो वो एग uh, योक नहीं खाता क्योंकि उसमें क्या होता है हाई अमाउंट ऑफ फैट वेयर एज जो एग वाइट है वो रिकमेंड किया जाता है ताकि उसमें फैट की अमाउंट जो है वो क्या है कम तो वो इजीली क्या करेगा फैट बर्न करेगा और फैट जो है वो ज्यादा डिपोजिट नहीं होगा तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग कमिंग टू द प्रोटीन्स यहाँ पर एक होते हैं प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें दो तरीके के प्रोटीन आते हैं एक जो, है। जो लिपो प्रोटीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये जो लिपो प्रोटीन है वो क्या वो किसकी तरह एक्ट करता है इट एक्ट एज एमलिफाइंग एजेंट मतलब एमल्सिफायर जो हम ऐड करते हैं एग में उनकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए तो वहां पे जो है, वो कैसे करता है? तो यहां पर जो है प्रॉपर्टीज होती है जैसे हम मेोनीस की बात करते हैं जब मेोनिज बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं विपिंग करते हैं जब हम विपिंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा अच्छी विपिंग होगी जि, जिससे क्या होगा आपकी जो एम एलसी फाइन प्रॉपर्टी है वो एनहांस होगी वो इंक्रीज होगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एग योक में जो लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं अब जो फैट प्रेजेंट रहता है जो फैट प्रेजेंट रहता है फैट किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ट्राइग्लिसराइड

ये सारे क्या है फैटी एसिड जो कि एग में प्रेजेंट रहते हैं नाउ दिस इज द पिगमेंट जब भी हम पिगमेंट के बारे में बात करते हैं एग के तो यहाँ पे जो कलर है वो कैसा होता है पेल येलो येलो टू ब्रिलियंट ऑरेंज एग योग का तो एग योग का कलर कैसा है यहाँ पे पेल येलो टू ब्रिलियंट ऑरेंज येलो से कैसा होता है ऑरेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इन ऑफ hen. जो ऐसे एग आ रहा है डिपेंड करता है है कि उसने उसमें जो पिगमेंट uh, वो कैसा प्रेजेंट है तो कलर uh, कैसा आएगा पिगमेंट के बेस पे ही तो कलर आता है ना तो कलर कैसा आएगा जैसे हैन में पिगमेंट uh, कैसा प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो पिगमेंट होता है वो कैसे वेरी करता है येलो टू ऑरेंज जो है वो पिगमेंट यहाँ पे वेरी करता है अब जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेटीनॉइड एंड जेंथोफिल जब हमने पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ पे कैरोटिन और जेंथोफिल के बारे में भी बताया था तो कलर जो आता है येलो या फिर ऑरेंज दू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिनॉइड एंड नाउ कैरिटिनोइड क्या है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाइटामिन ए में हमने पढ़ा था विटामिन ए या करते हैं कैरिटिनोइड जिसमें प्रेजेंट रहता है वाइटामिन ए के अमाउंट उसमें ज्यादा रहते हैं जैसे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हो गए तो यहाँ पे क्या है कैरेटिनॉइड्स का डायरेक्ट रोल किसके साथ है वाइटामिन ए के साथ अगर हम हैन को प्योर वाइटामिन ए देते हैं तो योक जो है वो क्या होता है वाइटामिन ए रिच होता है तो ये था पिगमेंट नेक्स्ट जो है दिस इज ऑफ ऑफ क्वालिटी एग पर हम क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं एग की तो यहाँ पे जब हम क्वालिटी मेजर करते हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैंडलिंग इस कैंडलिंग में क्या, जा, क्या, क्या करा जाता है यहाँ पर क्या करते हैं अंडर अ लाइट सोर्स यहाँ पे कोई क्या करते हैं एक लाइट सोर्स दिया जाता है उस लाइट सोर्स के अंदर सोर्स के अंदर और यहाँ पे डार्क रूम तो इसमें क्या होता है डार्क रूम के अंदर यहाँ पे वो लाइट ऑन कर देते हैं उस लाइट सोर्स के अंडर वहां पर एग की क्वालिटी पैरामीटर्स चेक होते हैं अब वो क्वालिटी पैरामीटर्स चेक कैसे होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उस अंडे को उस अंडे को एक लाइट के अंदर रखेंगे उस लाइट के अंदर क्या दिखेगा कि हम क्या क्या, क्या क्वालिटी चेक करेंगे उसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी क्रैक तो नहीं आ रहा शेल में कोई भी क्रैक तो नहीं अपीयर हो रहा शेल में अगर कोई क्रैक प्रेजेंट होगा तो मतलब वो अंडा क्या है वहां पे खराब होगा नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर्मनेस ऑफ एल्ब्यूमिन अगर हम ऐसे देखते हैं के अंद, अंदर एग को तो वहां पे जो एग तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको एल्ब्यूमिन दिखेगा मतलब कौन सा वाला पार्ट दिखेगा जो बाहर मैं, मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था इसमें कौन से वाला पार्ट दिखता है दिस पार्ट एल्ब्यूमिन ये वाला पार्ट जो है पूरा अंदर का आपको दिखता है जब आप लाइट के अंदर इसको देखते हो तो यहाँ पे क्या है जब आप लाइट के अंदर इसको देखोगे तो वहां पे सबसे पहले एक क्रैक आप चेक करोगे कि एग में क्रैक है या नहीं है दूसरा यहाँ पे हम फॉर्मनेस चेक करते हैं एल्ब्यूमिन की एल्ब्यूमिन दिख जाता है कि वो थिन वॉटर है या फिर थोड़ा थिक है नेक्स्ट क्या है पोजिशन एंड मोबिलिटी ऑफ द योग यहाँ पे क्या है जब आप ऐसे लाइट सोर्स के अंडर उसको ऐसे मूव करोगे ना एक्ट को तो आप क्या देखोगे कि योग कहाँ पे प्रेजेंट है और वो कितना मूव कर रहा है अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो, तो यहाँ पे आप मोबिलिटी भी चेक करते हो यहाँ पे क्या है कोई भी फोरन सब्सान जैसे ब्लड स्पॉट काफी बार आपने देखा होगा जब अंडा फ्रेश नहीं होता तो उस पे एक अंदर जो है शेल के वो रेड कलर का ब्लड स्पॉट सा नजर आता है इसका मतलब क्या है उसकी क्वालिटी क्या है खराब जैसे कि आपने शुगर केन में भी देखा होगा अगर वहां पे रेड कलर का अपियर होता है तो उसमें रेड रस्ट लगता है तो उसको उससे क्या होता है रेड कलर अगर है तो वो क्या है जो फूड है वो क्या है खराब हो सकता है इसी केस में यहाँ पर एग में भी क्रैक में जनरली रेड कलर का पिगमेंट या रेड कलर का स्पॉट वहां पे दिखता है जिसकी वजह से पता चलता है कि एग की क्वालिटी फ्रेश नहीं है तो जब हम कैंडलिंग करते हैं उस कैंडलिंग से भी क्या पता चलता है यहाँ पे रेड जो स्पॉट है वो हमें दिख सकता है रेड स्पॉट जहां पर आ गया तो वहां पे भी हमें दिखता है कि अंडा जो है उसकी क्वालिटी फ्रेश नहीं है यहाँ पे हम मोल्ड ग्रोथ भी देखते हैं और हम अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो भी चेक करते हैं ये कैसे करेंगे जब आप लाइट सोर्स के अंडर देखोगे एग को तो काफी बार क्या है अंडर लाइट वहां पर ब्लैक कलर का कुछ मास इकट्ठा हो जाता है या फिर रेड स्पॉट दिखता है या फिर आपको दिखता है कि अंडे अंडा जो है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है या वो फ्रेश नहीं है तो ये सारी हम कैंडलिंग में देख सकते हैं आप ये खुद भी देख सकते हो डार्क रूम में लाइट जलाना एक अंडा लेना उसका जो है स्ट्रक्चर आपको पूरा नजर आ जाएगा अंदर एग योग दिखेगा एग वॉटर दिखेगा एग सॉरी एल्ब्यूमिन दिखेगा और यहाँ पर आप ये सारी चीजें भी चेक कर सकते हो क्रैक्स चेक कर सकते हो मेनली की अंडा जो है वो कितने दिन का है फ्रेश है या फिर वो स्टेल क्वालिटी का है तो ये सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कैंडलिंग प्रोसेस में नेक्स्ट हम दूसरा करते हैं फ्लोटिंग टेस्ट इस फ्लोटिंग टेस्ट में क्या करते हैं मतलब अंडे को पानी में फ्लोट करके देखते हैं अगर तो वो सिंक हो जाता है अगर वो अंडा डूब जाता है सिंक हो जाता है तो मतलब वो क्या है अच्छी क्वालिटी का है लेकिन अंडा वो अगर फ्लोट करता है अगर वो सरफेस पे तैरता है पानी के तो मतलब वो क्या है वहां पर अंडा जो है वो फ्रेश नहीं है तो उस केस में क्या है पुअर क्वालिटी होगी अगर वो फ्लोट कर जाएगा तो क्या है पुअर क्वालिटी का एग होगा क्योंकि वहां पर क्या है जब फ्लोट होता है जब अगर तैरता है तो मतलब उसमें क्या है जो एयर जो वहां पर एयर सेल था जो यहाँ पर कोने में मैंने आपको एयर सेल दिखाया था इसकी क्या है अमाउंट जो है सॉरी इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर लॉस हो जाता है जब मॉइस्चर लॉस होगा तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस साइज इंक्रीज होने की वजह से जो क्वालिटी है वो कैसे आती है खराब क्वालिटी का अंडा देखने को मिलता है या फिर उसकी क्वालिटी क्या होती है स्पॉइल हो जाती है तो यहाँ पर दो टेस्ट है एक कैंडलिंग टेस्ट है और दूसरा है फ्लोटेशन टेस्ट जिसमें हम एक अंडर लाइट सोर्स देखते हैं और दूसरा हम वॉटर में चेक करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी पैरामीटर्स किस तरह से हम चेक करते हैं कौन कौन से हम टेस्ट यूज करते हैं नाउ जब हम अंडे को कुक करते हैं अगर हम अंडे को कुक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जाएगा कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं फूड में तो प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है कुछ ऐसे कॉम्पोनेट कोएगुलेट हो जाते हैं जिससे कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जैसे सपोज करो प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए फैट में चेंजेस आ गए तो ये सारा होता है जब हम हीट प्रोवाइड uh, करते हैं तो यहाँ पर के केस में क्या होगा एग अ क्लियर ट्रांसपेरेंट मास्ट हुआ वाइट ओपेक वन जैसे ही हम हीट heat करेंगे हीटिंग की वजह से क्या होगा जो एग वाइट होगा उसका कैसा कलर है क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है वो कैसा चेंज हो जाएगा वाइट ओपेक कलर का आपको दिखेगा तो यहाँ पे क्या है और जो अनडाइल्यूटेड व्हाइट एग है वो कोएगुलेट होता है 60 डिग्री सेल्सियस कोएगुलेशन करता है कि आप कैसे अमाउंट में उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इस केस में जो कोएगुलेशन है वो कितने पे है अंडर 60 डिग्री कोएगुलेशन जब हम करते हैं कोएगुलेशन से क्या होगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है या तो आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलेगा तो ये है हीट कोएगुलेशन नेक्स्ट जो है एग योग का वो तो था एग वाइट का अब एग योग का कैसे कोएगुलेशन होता है एग योग के कोएगुलेशन में क्या होता है यहां पर क्योंकि वो है थिक उसका कैसा होता है थिक नेचर होता है मतलब वो थिक होता है अपियरेंस में तो इस थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं हाई हीट प्रोवाइड करते हैं जब हम हाई हीट प्रोवाइड करेंगे हाई हीट से क्या होता है एग योग कोएगुलेट हो जाता है जबकि जो व्हाइट एग था वो लो हीट से भी कोएगुलेट हो जा रहा था तो यहाँ पे जो है कोएगुलेशन मेनली कितने पे होता है थिक जो होता है वो 65 डिग्री पे होता है और कोएगुलेशन कंप्लीट कितने पे होता है 70 डिग्री पे जनरली कोएगुलेशन देखने को मिलता है तो दिस इज ऑल अबाउट कोएगुलेशन ऑफ और यहां पर जब हम हीट करते हैं अंडे को तो हीट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारे यहाँ पर डिफाइन करे हुए हैं तो ये है जब हम हीट अप्लाई करते हैं एग में तब क्या होता है अब यहाँ पर क्या है जब हम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं जब हम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं तो एग के प्रोटीन पे क्या इफेक्ट आता है अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को जब ऐड कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जब हम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे जब हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है शुगर जब हम शुगर को ऐड करते हैं जब हम शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर को ऐड करने से क्या होगा यहाँ पे जब हम शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कोएगुलेशन होगा जितना ज़्यादा शुगर होगा उतना ही ज़्यादा हीट चाहिए होगा टू फॉर द कोशन अभी हमने क्या पढ़ा कोएगुलेशन कोएगुलेशन में जब हमने इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ा तो वहाँ पे coagulation में क्या था जो एग वाइट था उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल हीटिंग चाहिए लेकिन एग योग केस में क्या होता है एग योग केस में क्या चाहिए होता है हाई टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है तो जब हम शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर क्या करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी एडिशन ऑफ शुगर होता है तो शुगर के ऐड करने से क्या होगा जैसे आप शुगर को ऐड करोगे योक में तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा एकदम इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा और इस टेम्परेचर पे क्या होगी कोएगुलेशन क्योंकि जब हीट करते हैं तभी तो कोएगुलेशन होती है जितना ज्यादा आप शुगर लोगे उतना ज्यादा हीट चाहिए होगा सॉल्ट के ऐड करने से क्या होगा जब आप सॉल्ट को ऐड करोगे वहां पर शुगर ऐड किया था अब अगर आप सॉल्ट को ऐड करोगे तो जो सॉल्ट क्या करेगा इट डिक्रीजेस द टेंपरेचर एट विच द कोएगुलेशन टेक प्लेस एसिड क्या कर रहा था शुगर क्या कर रहा था उस एलिवेशन टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहा था यहां पे सॉल्ट के केस में क्या होगा इट डिक्रीजेस द टेम्परेचर जहाँ पे कोएगुलेशन होता है वो क्या करेगा उसके कोएगुलेशन को डिक्रीज कर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा क्यों यहाँ पे सोल्ट में क्या प्रेजेंट रहता है क्लोराइड फोस्फेट, सल्फेट लैक्टेट्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से क्या क्या है 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 जो कोएगुलेशन उस वो क्या होता टेम्परेचर डिक्रीज करने पे अगर हम सोल्ट को ऐड कर रहे हैं तो सोल्ट ऐड करने से क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा अब यहाँ पे हम अगर हम एसिड को यूज करते हैं हमने थर्ड इंग्रेडिएंट क्या लिया एसिड अगर मैं एसिड को यूज कर रही हूं तो एसिड क्या करेगा सबसे जल्दी कोएगुलेट करेगा एसिड क्या करता है सबसे जल्दी कोएगुलेशन करता है सबसे जल्दी कोएगुलेट करेगा और यहाँ पर क्या है एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा एक फॉर्मर जेल प्रोड्यूस करेगा मतलब एक जेल बन जाएगा और क्या करेगा कोएगुलेशन टेम्परेचर को कम कर देगा तो एसिड क्या करता है यहाँ पे सबसे जल्दी मतलब शुगर और सोल्ट से भी जल्दी कौन कोएगुलेट करता है एसिड कोएगुलेट करता है शुगर और सोल्ट से भी जल्दी एसिड जो है वो कोएगुलेट कर देगा को और पर पर एक जेल बनाएगा जब को, जब यहां पर, जो कोएगुलेशन है वो जल्दी होएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा लेकिन हम बहुत ज्यादा अगर हीटिंग करेंगे तो हीटिंग से क्या हो जाता है एग मिक्सचर का पेप्टिडाइजेशन अब ये पेप्टिडाइजेशन क्या होता है इसका मतलब होता है पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स ये किससे बना है Peptides, मतलब ब्रेक हो गए तो जैसे हम हीट करेंगे एसिड डालेंगे उसमें तो वहां पर क्या है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे जब हम कर्डलिंग करेंगे कर्डलिंग में क्या था जब हम दूध से जैसे दही जमा रहे हैं तो उस केस में क्या है, जैसे हम एसिड को ऐड करेंगे अगर एग मिक्सचर में तो वहां पे कोएगुलेशन जल्दी होगा और कोएगुलेशन जल्दी होगा तो एक जेल सा प्रोड्यूस होगा जो कि कोएगुलेशन टेम्परेचर को कम कर देगा और जैसे जैसे हम हीट करेंगे उस हीटिंग से क्या हो जाएगी हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया हीट जब हम अप्लाई करते हैं तो जनरली क्या होता है डी होने लग जाती है इस डी में क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज होता है मतलब जो मोलिक्यूल्स हैं उनका साइज जो है वो चेंज हो जाता है तो ये है यहाँ पर एसिड का इफेक्ट नेक्स्ट जो इफेक्ट है ये है फेरस सल्फाइड फॉर्मेशन काफी बार क्या है आपने देखा होगा डार्क ग्रीनिश डिसकलरेशन होने लग जाती है एग में ये किसकी वजह से होती है आयरन और सल्फर प्रेजेंट रहता है है वाइट और वाइट पार्ट और योक में तो यहाँ पे जो है वो सल्फाइड सल्फाइड जो फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो यहाँ पे जो सल्फर है वो किस अब सल्फर क्यों प्रेजेंट है सल्फर मेनली कैसे प्रेजेंट रहता है सिस्टीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड की तरह प्रेजेंट रहता है मतलब ये अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जैसे हम हीट करते हैं जैसे हम हीटिंग कर रहे हैं मतलब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर निकलती है सल्फर से जो कि क्या करती है आयरन के साथ कंबाइन कर जाती है और वहाँ पे फेरस सल्फाइड बनता है मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो निकल रही है सल्फर से वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है आयरन के साथ और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है फेरस सल्फेट तो ये जो है वो रिएक्शन होते हैं जब भी हम हीट करते हैं अब यहाँ पर जो एच टू जो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है वो किस पे डिपेंड करता है टाइम और टेम्परेचर पे और कितना आपने हीट किया है कितना एग का पीएच है तो ये डिपेंड करता है इस पे हीटिंग पे अब यहाँ पर क्या है अगर पीएच ज्यादा होगा अगर पीएच ज्यादा होगा तो एच टू एस की प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन अगर अंडे फ्रेश नहीं है अगर वो स्टेल है तो वहां पे क्या है फेरस सल्फाइड रिंग फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि अंडा फ्रेश है तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी लेकिन अगर वहीं पर अंडा आपका फ्रेश नहीं है यहाँ पे अगर स्टेल है तो स्टेल होगा तो वहां पे रिंग फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे कौन से रिंग्स बनेंगी फेरा सल्फाइड की डार्क ग्रीनिश कलर की जिसकी वजह से क्या है जो एग की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और वो अंडा क्या है फ्रेश नहीं होगा तो ये वाला टेस्ट भी होता है अगर ग्रीन कलर का 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 फॉर्मेशन आता है ग्रीन कलर का ग्रीन, या ग्रीन कलर का कलर कलर रिंग या वहां पर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है एग इज नॉट द फ्रेश इट इज स्टेल तो यहां पर क्या है जब एच टू एस निकल रहा है तो एच टू एस क्या किसके साथ कंबाइन हो जाता है आयरन के साथ जिसकी वजह से यहां पर फेरस सल्फाइड बनता है और इस

फिर ते, ए, कोई भी फैट यूज करते हैं और वहां पर क्या है जब बीटिंग करोगे या फैट यूज करोगे तो वहां पर क्या होता है प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट कर जाते हैं और एक थिन लेयर बना लेते हैं सरफेस पे जिसकी वजह से जो फैट है वो अंदर पेनीट्रेट नहीं हो पाता मतलब कैसे डिश बनती है हेल्दी डिश बनती है फैट जो है वो अंदर डि... अंदर पेनीट्रेट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे प्रोटीन क्या है कोएगुलेट हो जाते हैं और जब प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएंगे तो वो एक थिन कोटिंग बना लेंगे जिसकी वजह से एग फैट जो है वो पेनिट्रेट

और वहां पर क्या होगा एक क्लियर वॉल्यून एंड कोस में इज ऑप्टेन ये भी एक एग का प्रोडक्ट है जो कि एग से बनता है इसमें हम क्या यूज करते हैं एग वाइट और एग वाइट को किस में डालते हैं कोल्ड लिक्विड में कोल्ड लिक्विड में डालेंगे तो यहाँ पे एग एल्ब्यूमिन कोवेगुलेट हो जाएगा नेक्स्ट एग कैसे एक्ट करता है इट एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट ये किसको बाइंड करता है जैसे हम केक्स बनाते हैं तो केक्स में भी यूज करते हैं तो इस केस में प्रोटीन जो होता है एग में वो क्या करता है इट थिकनिंग, थिकनिंग कैसे एक्ट करता है अब एग्स में जैसे आपने कस्टर्ड के केस में देखा होगा तो एग डलता है तो वहां पर एग कैसे एक्ट करता है इट एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट क्योंकि वहां पे प्रोटीन जो है वो हीट करने पे क्या हो जाते हैं कोएगुलेट हो जाते हैं तो ये सारी प्रोसेस है कि हीट करने पे एग का स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाता है कौन कौन से वहां पे चेंजेस होते हैं कैसे कैसे वहां पे क्या या तो एग एल्ब्यूमिन कोएगुलेट होता है या फिर एग वाइट कोएगुलेट होता है तो ये होता है सारा हीटिंग का प्रोसेस उसके बाद यहाँ पर एक एग वाइट फोम है तो एग वाइट फोम जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है जब हम बिटन अप करते हैं जब बिटिंग करते हैं या फिर विस्किंग करेंगे तो उस केस में क्या है बबलिंग हो जाती है एयर की मतलब एयर सेल जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है अगर हम ओवर बीट कर देते हैं अगर हम बहुत ज्यादा ओवर कर देंगे तो एल्ब्यूमिन वहां पर क्या है थिन हो जाएगा और इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाएगी अब यहाँ पर हम जब एग वाइट फोम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा जब हम, जब हम एग को तो वहां पे जो एयर सेल है वहां उसमें क्या हो जाएगा जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो देखने को मिलेगा मतलब जो मॉलिक्यूल के साइज है वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और ओवर बीटिंग से क्या होगा वहां पे जो एल्ब्यूमिन है वो थिन हो जाएगा ज्यादा थिन हो जाएगा

कोएल्ब्यूमिन ये सारे प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होते हैं एयर जो सेल है वो स्मॉल ही रहेगा इन टेक वहां पर एयर जो इन इन और आउट होता है एयर का वो भी सही से अमाउंट में होगा तो यहाँ पर होता है एक एग वाइट फॉर्म नेक्स्ट है एग वाइट फॉर्म कैसे बनता है तो यहाँ पर जब हम एग फॉर्म बना रहे हैं तो एग फॉर्म में क्या होगा लिक्विड वाइट जब वोटरी uh, सब्सटेंस होता है उसको विस्क किया जाता है मतलब उसको किया जाता है और विबड्ड भी कैसे करना है ओवर 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 नहीं करनी से से क्या होगा वहां पे बीटिंग क्वालिटी जो है वो अंडे की खराब हो जाती है अब यहाँ पर जब हम लिक्विड वाइट एग को विप्ड करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है अगेन वहां पे प्रोटीन क्या करेंगे वहां पे अगेन प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगा और जब आप जैसे विस्किंग कंटिन्यू करते जाओगे तो जो एयर पॉकेट्स है मतलब जो एयर सेल है वो उनका साइज क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा स्मॉल होने से क्या होएगा कलर चेंज होएगा वहां पे ट्रांसल्यूसेंट से कैसा आ जाएगा ब्रिलियंट व्हाइट कलर आ जाएगा और ब्रिलियंट व्हाइट के बाद वहां पे कुछ फॉर्म प्रोड्यूस होंगे क्योंकि आप विस्किंग कर रहे हो विस्किंग से क्या होता है फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पर विस्किंग से क्या होगा फॉर्म प्रेज फॉर्म्स निकल कर आएंगे क्योंकि वहां पे एयर सेल जो है वो स्मॉल हो जाएगा अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो कैसा आएगा उसमें छोटे छोटे क्या होंगे गैस बबल्स होंगे जो कि किस में डिस्पर्स होंगे एग वाइट में अगर वहां पे आप फोम जो एग फोम बन रहा है उसको काफी टाइम तक ऐसे ही रख देते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो अगेन वो कोलैप्स होकर लिक्विड बन जाएगा तो इसलिए जब आप विस्किंग कर रहे हो तो वो भी बहुत आराम से करना है ओवर विस्किंग नहीं करना क्योंकि ओवर विस्किंग से क्या होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से वहां पे दोबारा से आप फिर री उसको री विस्किंग नहीं कर सकते मतलब अगर एक बार प्रोटीन डीनेचुरेशन हो गया गया उसकी क्वालिटी खराब हो गई तो आप दोबारा से उसको प्रोसेस रिपीट नहीं कर सकते तो ये था एग का सेशन जहां पर हमने एग के बारे में पढ़ा और एग के क्या क्या कंपोनेंट्स है कैसे एग फंक्शन करता है उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करने पे एग एक कैसे एक्ट करता है या फिर हम हीट करते हैं तो उसमें कैसे कोएगुलेशन होता है तो ये सेशन था एग के बारे में होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा अगर कोई डाउट हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा थैंक यू सो मच स्टडी हार्ड बाय एंड टेक केयर